Hey guys, welcome back to new vlog. तो आज हम लोग अभी जाने हैं, मंगलवार का दिन है, तो अभी हम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी सुबह सुबह, वहीं है अभी जाएंगे यूनिवर्सिटी. और जिसका आज इंतज़ार था, आज दिखाएंगे आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा. मेरी 2 क्लासें लगातार वो ख़त्म होने के बाद आज यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसी है, अंदर से क्या है, जिसका लोगों का आप लोगों का इंतज़ार था. और मेरे साथ जा रहे हैं अभय भाई. हाय गाइस, ये रहे अभय भाई अपना. हम लोग दोनों चल रहे हैं अभी, हम दोनों सेम ही क्लास में, सेम घर. और एक दिन आपको अपना जितने मेरे हैं फ्लैट मेट्स है सबसे मिलाऊंगा. फ्लैट तो नहीं है, विला में ही रहते हम लोग, विला मेट्स से मिलाऊंगा. और अभी हम लोग चल रहे हैं, सुबह सुबह के टाइम है, व्यू देखो आप, और ये देख सकते हो. और अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते हो तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. मेरा नाम जतिन मजाड़ है, मैं मास्टर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कर रहा हूँ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट कैंपस से. सो और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, और मेरे को आप और अच्छे से जान जाओगे. चलो आप वीडियो में बने रहो, आगे आपको थोड़ा सा रास्ते का ट्रैम का व्यू, सुबह सुबह मॉर्निंग कॉलेज का व्यू, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा आज कैंपस टूर. तो भाई आज अपना यहाँ पे करियर एंड एम्प्लॉयमेंट का फेयर लगा हुआ है गोल्ड कोस्ट कैंपस में. सो अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है. एक एंड से फोन देंगे फ्री में, फोन तो नहीं देंगे. भाई का फोन ही टूट गया, शाबाश, बहुत बढ़िया. रात में फोन टूटा, सुबह याद आ रहा है कि फोन टूट गया. एंड राव लेट्स गो एक्सप्लोर द. भाई भीड़ देखो यहाँ पे, अंधी भीड़. आगे चलते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं. ना ना, ये भाई देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी फेयर लगा हुआ है यहाँ पे. ये आ गया ना हॉस्पिटैलिटी, ये रहा ना अक्कौर ग्रुप, अब इनसे बात करेंगे. रुको तो भाई, मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्टॉप पर उतर के और अभी यहाँ से आ गया. तो इससे पहली बिल्डिंग बिल्कुल उससे ही दिखा हुआ ना, घुसोगे तो साइंस इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर की है. बट यहाँ पे क्लास मिक्सिस होती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि साइंस वालों की यहाँ पे क्लास होगी, आर्किटेक्चर वालों की होगी, बट मेनली उन्हीं की होगी. और ये आगे जाता रास्ता बिजनेस स्कूल की तरफ, बिजनेस स्कूल भी दिखा दूंगा तुम्हें. चलो आगे चलके, ये भाई कंप्यूटर साइंस मल्टीमीडिया की क्लास. ये देखो यहाँ पे जंक्शन है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में G42 है, ग्रिफिथ बिजनेस स्कूल. ये देख सकते हो जंक्शन. एंड वेस्ट लेट्स गो टूवर्ड्स द क्लास. मेरी क्लास भी है, बाकी टूर दूंगा मैं आप लोगों को. काफ़ी बिजी है एरिया, एंड भी जाओगे तो भाई देखो यूनिव बहुत सुंदर है, बड़ी भी उतनी है, पूरी कवर नहीं हो सकती एक दिन में. ये G06 मतलब आपका आता ना टाइम टेबल, तो उसमें लिखा रहता है कि कहाँ पे होगी क्लास. सो आपके उस हिसाब से वहाँ पे जाके बैठना होता है. एंड रेस्टूडेंसी अलग अलग, कहीं पे हेल्थ साइंसेस, कहीं पे कुछ. एंड लाइक क्वींसलैंड कॉलेज लाइक दिस ऑफ आर्ट, ये वो देख सकते हो, देख सकते हो. ये मेन आपका एरिया, एंड दिस इज लाइक द G01 और G05 यहाँ पे है. आगे आगे लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ, लेट्स गो लाइब्रेरी देखते हैं. ये भाई आप देख सकते हो लर्निंग कॉमन G11 ग्रैहम जोन्स लाइब्रेरी है, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे अपना स्टूडेंट गिल्ड का लगा रहता है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या इवेंट होते हैं, तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा इसमें देख के. एंड वैसे आप रोज आओगे या नहीं तो आपको सब कुछ ऐसे भी पता लग ही जाएगा. ये देखो भाई, इतनी इज्जत है अपनी, स्टाफ वाला वो मिल गया कॉफ़ी का वाउचर, थैंक यू. और अभी कॉफ़ी पीएंगे चल के. तो भाई आज ये देखो, आज यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, फूड स्टॉल अलग अलग उनके, बाली, इंडियन, लेबनीज, मैक्सिकन, और ये रहे डोनट. यहाँ पे रोज ना रोज, मतलब रोज़ क्या, बट ऑलमोस्ट
एवरी डे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है। ये अपना यूनिक स्टोर का यहाँ पे वो लगा हुआ कैंप, तो देखो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब टोकन खरीद लो और खा लो, जहाँ से भी कुछ भी लेके खाना है कुछ भी खा सकते हो। सो ये देख सकते हो, मतलब यहाँ पे नई नई चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे अपने टोकन खरीदा वहाँ पे गिल्ड के उससे, और यहाँ से किसी भी उससे काउंटर से खा लो। तो भाई ये एक हमने चिकन टिक्का मसाला लिया, एक बटर चिकन राइस लिए विद पापड़, तो ये आपको भी दिखा रहा था। ये यूनिट टूर का पार्ट है, टेस्ट करके देखते हैं फिर टेस्ट रिव्यू देंगे और देखते हैं कैसा बनाया है। तो भाई ये अपना स्टूडेंट सेंटर G33, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग कभी आ रहे हो वहाँ से, यूनी से या सर मतलब घर से इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, तो ये आपकी मदद करेगा। यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें बतानी और ये वो, ठीक है, और आपका मतलब कोई एनरोलमेंट फंस रहेगा भी कुछ हो रहा है, तो दिस विल हेल्प यू हेयर। और रिगार्डिंग स्टडीज़ कोई दिक्कत है तो आप अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र से मिल सकते हो, कुछ भी कोई भी दिक्कत है स्ट्रेस में हो टेंशन में आप जाके मिल सकते हो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है भाई अमीर से अमीर लोग भी पढ़ रहे हैं और हमारे जैसे गरीब भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो भाई कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कुछ भी आ रही है यहाँ पे आओ बात करो, सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो भाई ये है यहाँ का ओलंपिक लेवल स्विमिंग पूल, देख सकते हो अभी क्लोज है इसलिए मैं अंदर से जाके नहीं बना पाऊँगा, बट यहाँ से आपको पूरे नज़ारे दिखा देता हूँ, एकदम क्लियर वीडियो आ रही होगी। सो ज़्यादा डीप नहीं है बट 6 फीट का है, देख सकते हो आप इसको, बढ़िया है। ऊपर पूरा सब कुछ जिम विम भी दे रखा है कि बंदों को फिटनेस हो कुछ हो, जिम दिखा देता हूँ मैं वो ऊपर नहीं लिया था। और ये रहा आपका स्विमिंग पूल, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर रखा है। ये उसके बाहर के नज़ारे, ठीक है। अब ये रास्ता जाता है एथलेटिक ट्रैक की तरफ, जो है क्या बोलते हैं बिल्कुल एकदम कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाया था इनने, जो 2018 में हुए थे यहाँ पे। सो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है। बाकी आप लोगों ने स्विमिंग पूल देख लिया, अभी स्विमिंग पूल में रस्से डलते बीच में वो ये रखे हुए फोल्ड करके सब कुछ। भाई देखो क्लीनिनेस, देखो यूनी में पूरा अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ, ठीक है। पार्किंग प्रोवाइडेड रहती है, कहीं पे पेड़ होती है एक ही जगह फ्री है पूरे यूनी में पार्किंग, वो बिल्कुल आखिरी में जाओगे तो ब्रिज के पास फ्री है, ये देख सकते हो। क्या जा रहा हूँ मैं उसकी तरफ, ट्रैक की तरफ, फिर ट्रैक आपको दिखाता हूँ कैसा है, पूरा फुटबॉल ग्राउंड है। ये देखो ग्लिम्स देख लो, फिर अंदर जाके अच्छे से टूर कराता हूँ। ये देखो एक बार ये पहले बाहर से देख लो कि कैसा दिख रहा है, और अब आई थिंक आज हाँ हमारी वीडियो ख़राब करने के लिए बारिश स्टार्ट हो जाएगी, बट मैं फिर भी आप लोगों को ट्रैक दिखा देता हूँ। और छाता भी नहीं लाए हुए तो कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप मेरा पूरा ट्रैक, ये फुटबॉल, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट सब कुछ है यहाँ पे, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। ये स्टैंड्स जहाँ पे लोग बैठ के चीयर कर सकते हैं, और अपना उनको जो भी उनके फ्रेंड्स खेल रहे हैं कोई भी खेल रहा है, ठीक है। ये सामने यूनी रही, अब बारिश स्टार्ट हो गई बट कोई बात नहीं, फिर भी जितनी वीडियो बच जाएगी उतने में बना लूँगा और आप लोगों को टूर दिखा दूँगा यूनी का, देख सकते हो आप। ये भाई जो आइकॉनिक व्यू होता है जो आप लोगों ने हर वीडियो में देखा होगा, ये है भाई वो आइकॉनिक व्यू यूनी का। ये सामने जो है लाइब्रेरी है, और देख सकते हो आगे की तरफ जाएं तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा स्नैक बार टाइप है, और है यहाँ से ऊपर क्लास जाने का रास्ता है। बाकी ये देखो रुक के आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ यूनी में, बाकी भीड़ वाद रहती है ये देखो। और अब सामने देख सकते हो, ये पहले भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ये आज फूड स्टॉल लगे हुए हैं, और ये शगुन भाई भी दिख रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा स्टूडेंट सेंटर, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है एक छोटी सी कियोस्क टाइप, और ये देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का झंडा, ग्रिफिथ का झंडा, सब कुछ है भाई, आओगे मज़ा आएगा सब कुछ। और एक दो इन्फॉर्मेशन आखिरी में मैं आपको अपने रूम में बैठ के दूंगा कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए जब वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। चलो आगे चल के थोड़ा सा और दिखा दूँ, अभी बारिश इतनी तेज़ आई नहीं है। ये देखो आप स्विमिंग पूल का ऊपर से भी व्यू देख सकते हो, थोड़ी हवा चल गई,
बढ़िया व्यू आएगा यहाँ से कि शीशे आगे साफ है, वो अरे रस्ते के बीच में डलते हैं, यू कैन सी दैट एज वेल। ये देख सकते हो ये रही सामने भाई पार्किंग, और ये रही G16 बिल्डिंग, G02 भी इधर ही है, G16 भी इधर बिल्कुल सीधा जाओगे G16 रहेगी। ये ऊपर भी पार्किंग है, यहाँ पे नीचे भी पार्किंग है, मेनली ये पेड़ पार्किंग होती है। और ये आप व्यू देखो कि यूनी का अच्छे से सामने कितना साफ भाई, मतलब। और ये पेड़ पार्किंग है, वैसे जो फ्री वाली पार्किंग है वो यहाँ से भी बिल्कुल एकदम आप लोगों को सीधा सीधा जाना पड़ेगा, आखिरी में G27 के पास, G27 के पास पार्किंग मिलेगी। आप देख सकते हो भाई, या मतलब यूनी का पूरा टूर दे रहा हूँ, और लाइब्रेरी भी आपको अभी सामने से चल के दिखा देता हूँ। ये भाई अपना पूरा बिल्डिंग है, चलो। ये भाई यहाँ पे बार बार शॉप और एक यूनी स्टोर, और आगे ऑस्ट्रेलिया पोस्ट। ये भाई अपना स्टूडेंट गिल्ड का सेंटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भाई लिखा रहता है कि क्या क्या इवेंट आ रहे स्टूडेंट गिल्ड, सब कुछ मेंशन करके रखता है। ये देखो ये स्टूडेंट सर्विसेज का, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, ये रेस्टोरेंट है द लीफ, आगे यूनिबार है, यूनिबार भी आपको दिखा दूँगा, यूनिबार गुजमान भाई गोमेस, सब कुछ है इसमें, सब कुछ डाइवर्सिटी सब कुछ बता रखा है क्या क्या है क्या नहीं है। ये भाई ये देखो, ये रहा गुजमान भाई गोमेस, ये रहा यूनिबार, सब कुछ भी आप लोग देखो, कुछ भी ले सकते। एंड इसमें पूल टेबल भी है, ये अंदर से यूनिबार रहा, एंड यहाँ पे बाहर भी क्या बोलते हैं सब कुछ है, और एक दो रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, फ्लेवर एशिया, बर्गर बर्ज, सब कुछ है। सो भाई कुछ भी खाओ ट्राई करो। ये रहा देखो फ्लेवर एशिया, ये रहा, और ये आ गया उसकी तरफ, ट्रैम की तरफ चल रहे हैं। ये देखो आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिबार, ये आपको सामने दिख रहे होंगे अलग अलग ब्रांड, बर्गर बर्ज, कॉमन्स, ये रहा सामने कॉमन्स, डेली कैफे, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, एशियन खाने से लेकर, इंडियन खाना नहीं मिलेगा बट एशियन, मेक्सिकन, बियर पीनी है, बियर पियो आपको, यूनी के अंदर बियर पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे सस्ती बियर भी बता दो $5 की आएगी, यूनिबार लाकर, बात अपने तक ही रखना, पेरेंट्स को मैं दिखाना, ये भी मेरे को किसी ने बताई थी, ठीक है, पीता हूँ नहीं मैं बाकी, वैसे ये आप देख सकते हो। एंड फिर इसी के साथ एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये भी सामने, यहाँ पे डीन जितने भी बड़े अधिकारी हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के, सब इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। दिस इज नॉट अ स्टडी बिल्डिंग, एवरीबडी सिट्स लाइक डीन मीन एवरीबडी सिट्स इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। एंड आप गए मट चलते चलते टेनिस और बास्केटबॉल का कोर्ट भी दिखा देता हूँ, लाइक सो दैट यू गाइस कैन सी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं आप लोग, ये देखो यहाँ पे कभी भी पार्क करोगे ना रोड, गाड़ी वाले अपने आप रोक लेंगे, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन की इज्जत है। एंड चलो चलते हैं, वीडियो लंबी हुई कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग देखने वाले हो भाई। ये देखो यहाँ पे हर जगह ना मैप भी लगे हुए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम दिखा दूँगा मैप। एंड रेस्ट ये देखो, ये रहा टेनिस कोर्ट, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, आगे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी खेल सकते हो आप लोग। ये देखो भाई इंफॉर्मेशन ना हर जगह दी होती है, पूरा मैप दे रखा है, नहीं समझ में QR कोड स्कैन कर सकते हो, सब कुछ इसमें बताया हुआ है, यू कैन सी एवरीथिंग हेयर, आपकी कहाँ वो है पार्किंग स्पॉट कहाँ है, कहाँ आपकी क्लास है, सब कुछ इसमें आपको देख के पता लग जाएगा। ये छोटे छोटे मैप हर जगह लगे होते हैं, सो भाई वो डिटेल में आपको टूर दिया मैंने यूनी का, देख सकते हो ध्यान से आराम से, वीडियो रोक के भी देख पाओगे। और बाकी ये तो तुम लोगों ने बहुत लोगों में देखा ही होगा बट फिर भी दिखा देता हूँ, कभी भी यूनी आना है, मतलब मेनली लाइब्रेरी आना है, तो गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उतरना है, एंड देन आपको यहाँ से। तो भाई इस वीडियो में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के टूर के साथ, कि भाई ये खासकर जो भी नवंबर इनटेक मारे उनके लिए, क्योंकि जुलाई वाले बंदे तो आ चुके हैं, तो अभी जो नवंबर इनटेक में लोग आएंगे उनके लिए भी बात खास है, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो भाई एयरबीएनबी के भरोसे पे मत आओ, कि ज़्यादा टाइम आप रह नहीं पाओगे और यहाँ पे आके आपको घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो भाई इंडिया से अपना अकोमोडेशन ज़रूर करा के आओ। अब अकोमोडेशन मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे ढूंढ सकते हो जल्दी जल्दी, एक बड़ी वीडियो भी बना के मैं डाल दूँगा,
तो उसमें भाई आप लोग जैसे फ्लैटमेट्स हो गया, स्केप हो गया, यूनिलॉज हो गया, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो फेसबुक मार्केट प्लेस है, उस पर मिल जाएगा आपको आराम से। मैंने भी फेसबुक मार्केट प्लेस से ही घर ढूंढा था, और एक इंडियंस इन गोल्ड कोस्ट ग्रुप है फेसबुक पे, मेरे को मेनली उससे मिला था। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी रिस्पॉन्स आए थे काफ़ी पॉजिटिव, बट भाई इस चीज़ का ज़रूर रखे हो। और अगर आपके कोई जानकारी का बंदा यहाँ पे रह रहा है, पहले ही ऑस्ट्रेलिया में है, जिस स्टेट में आप आना चाह रहे हो उसमें, तो भाई उनसे बातचीत बना के आओ, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस का बहुत बड़ा खेल रहता है। ऐसा नहीं कि बिना रेफरेंस के नौकरी नहीं मिल पाएगी, नौकरी आराम से मिलेगी बिना रेफरेंस के, बट स्टिल अगर आपको कोई जानकारी का रह रहा है उसमें पर्टिकुलर स्टेट में या टेरिटरी में, तो भाई उनसे बात करके ज़रूर आओ पहले ही। उनका रेफरेंस क्या पता आप लोगों के बहुत काम आ जाए। और ये मत सोचना कि आते ही दूसरे दिन नौकरी मिल जाएगी, भाई नहीं, थोड़े दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप टेंशन में आ जाओगे कि आते ही मिल जाएगी नौकरी, आते ही नहीं मिलेगी, भाई थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने से तो अपने को भगवान भी मिल जाते हैं, नौकरी बहुत छोटी चीज़ है, आराम से मिल जाएगी। ढूंढोगे थोड़ा, बस यूज़ करना आपको दिमाग का यूज़ करना, नौकरी मिल जाएगी। लोगों से बात करना, लाइक मेन जो यहाँ पे भाई नौकरी मिलती है, मेरे को अब तक जितनी भी जॉब मिली है बस बोलने पे मिली है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि व्हेन द पर्सन स्पीक्स दे नो दैट हुम दे आर टॉकिंग टू। तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, और रेफरेंस काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है नौकरी मिलने में। सो ये मैं मना नहीं कर रहा कि बिना रेफरेंस की नौकरी नहीं मिलेगी, बिना रेफरेंस की भी मिल जाएगी, बट रेफरेंस मैटर कर जाती है, उससे आपको थोड़े जब चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं रेफरेंस लगने से। और आप लोगों को बस, अब आपने पूरा वीडियो देख लिया कि आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो कमेंट ड्रॉप करना, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अगले इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी का टूर दिया है, इससे आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें पता लग जाएंगी कि भाई G33 में आप लोग अपना मेडिकल चेकअप भी करा सकते हो। ये मैं वीडियो में बोलना भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा एक पॉजिटिव नोट पे। आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूँ काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डल रही थी, मैं थोड़ा बिजी हो गया था किसी काम में, बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। तो थैंक यू ऑल, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इतना सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय गाइस।